बात रतलाम की, जहां रतलाम में एक बार फिर से मदरसों को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन की टीम ने एक मदरसे में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये मदरसा भी बगैर एमपी मदरसा बोर्ड पंजीयन के अवैध रूप से संचालित होता रहा है। आपको बता दें कि इस मदरसे में 44 बच्चियां मिली, जबकि सूत्रों के मुताबिक यहां 70 बच्चियां हैं। यहां पढ़ने वाली सभी बच्चियां किसी भी स्कूल में नहीं जाती हैं। इसके अलावा इस मदरसे में एमपी और यूपी तक की बच्चियां रह रही हैं। बनी हुई पुरानी जो कमेटी है उसके आधार पर संचालित हो रहा था ये, और मदरसा बोर्ड का जो है वहां से पोर्टल बंद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे ही चालू होगा हम उसकी अनुमति ले लेंगे। सरकारी घर में डॉक्यूमेंट कोई भी हो हमें तो सब उसी के आधार पर चलना है। हमें अगेंस्ट गवर्नमेंट के जाने ही नहीं है, उसके आधार पर सब काम कर रहे हैं। हम जानकारी बाहर से मिली थी या कुछ स्रोत से जानकारी इस प्रकार की मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से बच्चे यहाँ रह रही है, तो प्राइमरी पे से यही कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर था कि क्या वास्तव में गैर मानवीय तरीके से रह रही है। तो जो है जांच का मुख्य बिंदु इसी पे केंद्रित था और यही